बेंगलुरु में रामनवमी पर हुआ बवाल। जय श्री राम का नारा और भगवा झंडे को लेकर 3 लोगों की गई पिटाई। लोहे की रॉड से उपद्रवियों ने राम भक्त को पीटा। जी हाँ, रामनवमी के अवसर पर बेंगलुरु में जमकर बवाल हुआ है। यहाँ जय श्री राम के नारे लगाने पर 3 लोगों पर कथित तौर पर रॉड से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि चिक्का बेटा हल्ले में हुई इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के सिलसिले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सभी आरोपी SM पाल्या के रहने वाले हैं। वहीं बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने बुधवार को पीड़ितों से उनके आवास पर मुलाकात की और इस घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस के मुताबिक यह घटना तब हुई जब संजीवनी नगर के रहने वाले पवन कुमार, राहुल और विनायक अपनी कार से एक सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन की जाँच करने के लिए SS पाल्या की ओर जा रहे थे। उनके पास भगवा झंडा था और वे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी बीच सड़क पर बाइक सवार फरमान और समीर ने उन्हें रोका और फरमान ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि वे जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं, उन्हें केवल अल्लाहू अकबर कहना चाहिए। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिसके बाद फरमान और समीर ने लोहे का रॉड निकाल कर युवकों की जमकर पिटाई कर दी। अब यह मामला प्रदेश में राजनीति का विषय बन गया है। बने रहिए मोबाइल News 24 पर, देश और दुनिया की हर ब्रेकिंग अपडेट को जानते रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।